हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला। चिकन मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ कटा हुआ चिकन, फिर हमें चाहिए होगा कुछ प्याज, जैसा कि आप प्लेट में देख रहे हो। अब मैं प्याज को धीरे धीरे बारीकी से कट करूँगी, ठीक वैसे ही सारे प्याज को बारीकी से कट कर लेना है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए स्पेशल चिकन मसाला लेकर आई हूँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें कि यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह चिकन कैसी बनी है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी प्याज कटकर रेडी। अब इसे हम लोग थोड़ा खोल लेंगे, देख रहे हो ये रेडी हो गई। अब हम लोग एक कटोरे में लेंगे थोड़ा सा जीरा, फिर एक कटोरे में लेंगे मिर्च, इसे हम प्लेट में बताएंगे आप लोगों को। ये रहा लाल मिर्च, खड़ा मसाला, तेजपत्ता और जीरा। अब हम लेंगे चिकन, कढ़ाई को करेंगे थोड़ा गर्म, चिकन को तब तक मेल्ट कर लेते हैं। इसके लिए हल्दी लेंगे, मिक्स मसाला लेंगे और इसमें थोड़ा नमक डालकर इसे मिला लेंगे और ये हमारा चिकन भी मिल गया। तरीके से मिलाकर थोड़ी देर इसे हाफ एन आवर रख देंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे कढ़ाई, लाइन डालेंगे सरसों का तेल, खड़ा मसाला, तेज पत्ता, जीरा, लाल मिर्च और इसे लाल करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को भूनेंगे। प्याज को 2 से 3 बार भून लेना है, फिर हम लोग इसको ढक लेंगे ताकि प्याज अच्छे तरीके से सींच जाए। आप देख रहे हो कि प्याज हल्का गुलाबी हो रहा है। बीच बीच में से ढकते रहे, ढककर पकाए ताकि प्याज बहुत अच्छे तरीके से सींच जाए। आप देख रहे हो ये धीरे धीरे अपना कलर में आ रहा है, ये हो गया। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, फिर ऐड करूँगी मिक्स मसाला, फिर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, जैसे मिला लेंगे। डालेंगे हम लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा पानी डालकर मसाले को मिला लेंगे ताकि मसाला हल्का सींच जाए। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। डालने के बाद इसे ढकेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसे चला लेंगे। अब देख रहे हो मसाला मिल गया है अच्छे तरीके से। कितना डिलीशियस दिख रहा है मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जैसा कि आप देख रहे हो मैं इसमें चिकन डाल चुकी हूँ। चिकन को हम लोग भूनेंगे। देखो कितना डिलीशियस लग रहा है। इस बीच में हम लोग इसे ढक लेंगे। वाह, चिकन का कलर कितना सुंदर होता है। इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये सोंधा ना हो जाए, लाल ना हो जाए। चिकन को ज़्यादा भूनोगे ना वो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैं इसे लाल होने तक भून ले रही हूँ। देख रहे हो मुझे चिकन भुना हुआ खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं खरीदी निकालती हूँ, उसे खरीद निकाल दी। बहुत टेस्टी बना है। इसमें हम डालेंगे पानी क्योंकि हमारा चिकन हो गया है रेडी भूनकर। हमने पानी अच्छी तरीके से डाल दिया है, मिला लिया है चिकन को। अब मैं इसे ढक दूँगी। अब फिर मैं बनाऊंगी चावल।
क्योंकि चिकन के साथ चावल खाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने चावल बनाना शुरू कर दिया है। और ये हमारा चावल भी होने ही चला है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। तो देख रहे हो दोस्तों, इस तरीके से मेरा चावल भी रेडी हो गया है और इधर चिकन भी रेडी होने चला है। एक बार मैं बीच में चला कर देख ले रही हूँ। ये हमारा चिकन हो गया रेडी। अब मैं चिकन को निकालूंगी थाली में। पहले मैंने लिया है थाली में अपने अनुसार चावल, चावल को परोसना शुरू करती हूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हो, गर्मा गर्म चावल के साथ चिकन खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैंने गर्म गर्म चावल बना रखा है। अब हम लोग का हो गया चिकन रेडी। चिकन हम लोग निकाल लेंगे एक कटोरे में। मैंने ग्रेवी हल्का पतला रखा है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा रिच चिकन मैं नहीं खाती, इसलिए